नमस्कार दोस्तों, मैं दिखे सोने स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल देखिए शाला पे। इस समय आपके सामने क्लास 7 अकाउंट्स का पूरा सिलेबस है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। जो रेड कलर से आप चैप्टर देख रहे हैं वो हमारे ओवर हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो ऊपर भी कार्ड पैश होगा थोड़ी थोड़ी देर में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी चैप्टर वाइज। और अगर आपको इस लेक्चर या किसी दूसरे लेक्चर का पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए अपने स्कूल के आंसर लिखने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपने ब्लॉग का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आपको नोट्स या फिर जो आपके पीडीएफ है आराम से मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आप मुझे यूट्यूब के अलावा भी दूसरे का भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोगों का टेलीग्राम और व्हाट्सअप का भी एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसे भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज का लेक्चर की तरफ। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड दो क्वेश्चंस। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था, उसके कंसेप्ट और उसकी जो जनरल एंट्रीज होती है वो अच्छे से डिस्कस कर ली थी, है ना। और वो वीडियो क्या हुआ था, काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से उसमें मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे थे। तो यहाँ हम दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपका सारा जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर उस वीडियो को देख के क्लियर ना हुआ हो तो। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि वाई ओज टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स ने कुछ सामान बेचा होगा, किसको बेचा होगा, वाई को बेचा होगा। मतलब कि यहाँ पर एक्स किसकी भूमिका निभा रहा है, जेठालाल की, और वाई किसकी भूमिका निभा रहा है, तो भाई वाई यहाँ पर भूमिका निभा रहा है दिगेश की, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ने क्या करा, सामान बेचा, तो ऑब्वियस ही बात है कि बिल रिसीवल किसे मिल गया होगा, एक्स को मिल गया होगा, ठीक है। इसके दम पे वो किससे पैसा लेगा, वो पैसा लेगा वाई से, ठीक है, यहाँ इतना क्लियर है। और कितने रुपए का, 1000 रुपीज़ का दिया, 1000 रुपीज़, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे क्या बोलता है, वो आगे सिंपल से ये बात बोलता है कि यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को एक्स ने एक बिल ड्रॉ करा 3 महीने के लिए, जो वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और वापस कर दिया, किसको, एक्स को। मतलब कि यहाँ पर 1 जनवरी को बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी। उसके बाद देखते हैं, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आई 3 महीने बाद, ठीक है, और वो बिल डिसऑनर हो गया, ठीक। अब क्यों हुआ, उस समय लेने देने नहीं है, बस डिसऑनर हो गया, क्वेश्चन में इतना देख रखा है, बात खत्म। एंड एक्स हैड टू पास एंड एक्स हैड टू पे ₹10 एज नोटिंग चार्जेस। और एक्स को क्या करना पड़ा, एक्स ने भाई उसकी नोटरी कराने गया उसको लीगल प्रूफ बनाने के लिए, तो उसे क्या करना पड़ा, ₹10 का नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। तो हमें इस चीज़ का जनरलाइज इसकी एंट्री करनी थी, कहाँ पर, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में और बाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो आइए इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, हम एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ एक्स कौन था, हमारा जेठालाल था, ध्यान रखना, ठीक है, जिसने सामान बेचा। तो यहाँ क्या एंट्री है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ 1 तारीख को तो बिल एक्सेप्ट किया गया था वाई के द्वारा, तो सबसे पहले तो उसकी एंट्री हम करेंगे बिल एक्सेप्ट होने की। तो क्या एंट्री करेंगे, बिल रिसीवेबल टू वाई, ठीक, सिंपल सी एंट्री करते हैं, 1000 1000 से, ये तो हर बार करते आ रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हुआ क्या कि 4 तारीख को हो गई मैच्योरिटी डेट, ठीक है, मैच्योरिटी डेट हमने कैलकुलेट कई बार कर चुके हैं, पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं देखी हो तो नीचे प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिएगा, आपको सब मिल जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर अभी थोड़ी देर में कार्ड भी फ्लैश हो जाएगा, तो वहाँ पर आप आराम से देख लेना। अब देखो 4 तारीख जो है मैच्योरिटी डेट आ गई, अब यहाँ पर वाई को पैसा देना था लेकिन वाई ने पैसा नहीं दिया और बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो उसकी क्या एंट्री, वो हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एंट्री क्या हुई, वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो क्रेडिट साइड देखते हैं, क्या क्या क्रेडिट करा हमने, बिल रिसीवेबल क्रेडिट करा, क्यों, क्योंकि यार एक जो असेट था हमारा जो 1 जनवरी को क्रिएट हुआ था वो यहाँ पर उसके बदले पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन पैसा तो मिला नहीं, लेकिन ये असेट का टाइम पीरियड तो खत्म हो गया ना, तो ये असेट तो पक्का खत्म हो गई, और असेट जब भी खत्म होता है या कम होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने क्या किया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 1000 से। और क्या हुआ, और देखो हम लोगों ने कैश भी पेमेंट करी, ₹10 जो नोटिंग चार्जेस के थे, तो वो असेट भी हमारा एक कम हुआ, तो एक वो पेमेंट हमने करी ₹10 की। तो टोटल अब ये जो दोनों पेमेंट है वो हम किससे वसूलेंगे, वाई से वसूलेंगे, भाई ₹1000 तो बिल के थे वो तो लेंगे ही लेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, ₹10 जो उसकी गलती की वजह से हमें चुकाने पड़े वो भी तो उससे वसूलेंगे हम, ठीक। तो ओवरऑल हमने वाई को कितने से वापस से डेटर बना लिया, अपना ₹1010 से डेटर बना लिया। इससे क्या क्लियर हुआ कि अब वाई से हमें कितने लेने हैं, ₹1010 लेने हैं, ठीक। अब मान के चलो इन फ्यूचर वो नहीं दे पाया तो क्या करेंगे, भाई इसको बैड डेट्स की एंट्री कर देंगे, अगर आगे इसने बिल्कुल नहीं दिया वाई ने, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम सिंपल से ये कर देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, सिंपल सी ये एंट्री करेंगे, नुकसान मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो बात की बात है, हाल फिलहाल जो उन्होंने एंट्री बोली थी वो इतनी सी थी, वो हमने कर दी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए अब आगे और देख लेते हैं, वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी। तो देखो सबसे पहले तो वही है
कि वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर यहाँ दिगेश की बात हो रही है तो यहाँ वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले तो 1 जनवरी 2017 को बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी। तो यहाँ पर देखो एक्स टू बिल्स पेबल, ठीक है, एक्स नाम की एक लाइबिलिटी कम हो गई और उसकी जगह बिल्स पेबल नाम की एक नई लाइबिलिटी बन गई। तो ये तो सिंपल सी एंट्री वो हम लोगों ने यहाँ पर कर दी। अब क्या होगा 4 अप्रैल को, भाई वो बिल डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री हम भी करेंगे। क्या एंट्री करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, बिल्स पेबल नाम की एक लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, ठीक है। अब साथ साथ क्या हो रहा है, ये जो 10 रुपये का एक एक्सपेंस था, ठीक है, वो भी हमारे अंदर हम ही इसको अपना एक्सपेंस मानेंगे, क्योंकि ये हमें पैसा किसे देना है, आखिरी में एक्स को देना ही है। तो भले खर्चा उसने करा लेकिन एक्सपेंस हमारा भी, हमारा एक्सपेंस हम बुक करेंगे इसे, क्योंकि यार ये हमारे एक तरीके से खर्चा हो गया, ठीक है। ऑल दो पेमेंट किसने करी, पेमेंट कर दी जेठालाल, दैट मीन्स कि एक्स ने, लेकिन ये एक्चुअली खर्चा किसका हुआ घूम फिर के, हमारा, क्योंकि इसकी जो 10 रुपये की टोपी है वो किसके सर पर बैठेगी, हमारे सर पर ही आएगी, ठीक है। तो हम उसे बुक कर लेते हैं एज ए नोटिंग चार्जेस, एक तरीके से एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। टू टू यहाँ पर क्या आएगा, टू एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स नाम की हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी कितने रुपये से, 1010 रुपीज़ से, ठीक है। 1000 रुपये के तो बिल्स पेबल का अमाउंट और 10 रुपये के नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, क्योंकि इतना पैसा उसे देना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये हमारी जो है एंट्री होगी किसकी, एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में और वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे देख लेते हैं अगला चीज़ क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ऑन 10 जनवरी 2017 एक्स ड्रू अ बिल ऑन वाई फॉर ₹2000 फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पर क्या हुआ कि यार अगेन एक्स वाई, ठीक है, दो बंदे हो गए। तो एक्स ने क्या करा था, सामान बेचा वाई को। तो यहाँ वाई किसकी भूमिका निभाएगा, दिगेश की, एक्स जेठालाल की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, सामान बिक गया, कितने रुपए का बिक गया, 2000 रुपये का बिक गया, तो बिल ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ बिल रिसीवर मिल गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है एक्स का बिल रिसीवर है, किससे वो पैसे लेगा, वाई से लेगा, कितने रुपये का है, 2000 रुपये का है। अब हुआ क्या, एक्स ने 13 जनवरी को, ठीक है, ऑन 13 जनवरी एक्स एंड्रॉस दिस बिल टू जेड। तो एक्स ने क्या करा, यही का ये बिल किसे पार्टी, किसे दे दिया, जेड को दे दिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे क्या हुआ, ये बिल जो था वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कि ड्यू डेट पे ये बिल लेके जेड किसके पास गया, वाई के पास गया, और वाई ने क्या बोल दिया, मना कर दिया कि नहीं भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, उसने सीधा सीधा मना कर दिया। तो अब और जेड ने क्या करा फिर, 20 रुपये के नोटिंग चार्जेस भी पे करे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जेड हैड टू पे नोटिंग चार्जेस, ये लिखा हुआ है, ठीक है, जेड हैड टू पे द नोटिंग चार्जेस। यहाँ जेड ने 20 रुपये का नोटिंग चार्ज ही पे करा। तो ये जो सारी की सारी एंट्रीज है उसे हमें जनरलाइज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, किस किस की, एक्स की, वाई की और जेड की, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो एक्स, वाई और जेड तीनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहाँ पर एक्स कौन है, जेठालाल है हमारा। तो यहाँ सबसे पहले क्या एंट्री होगी वो देख लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो बिल रिसीव, जो वाई ने बिल एक्सेप्ट करा था उसकी एंट्री करेंगे हम, बिल रिसीवेबल टू वाई अकाउंट, सॉरी बिल रिसीवेबल टू वाई, ठीक है, कितने रुपए से, 2000 से, 2000 से, ये तो सिंपल सी एंट्री है। उसके बाद क्या होगा, 13 जनवरी को उसने ये बिल किसे एंडोर्स कर दिया था, जेड को। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, जेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, एंडोर्समेंट की एंट्री भी आपको पता है, 2000 2000 से। फिर क्या होगा ये देख लेते हैं। अब चेक डिसऑनर हो गया, कब हो गया, 13 जनवरी को, सॉरी 13 मार्च को। तो 13 मार्च को क्या एंट्री होगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ 13 मार्च को देखो क्या एंट्री होगी, वाई डेबिट टू जेड अकाउंट, टू जेड, ठीक है। तो वाई कौन था, वाई वही जिसे हमने सामान बेचा और जेड जिसे एंडोर्स किया। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई नाम का एक डेटर हमारे पास बन जाएगा, या बोल सकते हैं डेटर की जगह कि वाई नाम का एक असेट तैयार हो जाएगा जिससे हमें पैसा लेना है, और जेड नाम की एक लाइबिलिटी तैयार हो जाएगी, ठीक है। एक तरफ तो असेट बढ़ गया और एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2020 रुपये वाई से लेकर किसे देने पड़ेंगे, जेड को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से जेड की जो है लाइबिलिटी बन गई। अब आप सोच रहे होंगे जेड 2020 रुपये कैसे हुए, वो तो 2000 का अमाउंट था। तो मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया था, 20 रुपये क्या पे करे उसने, नोटिंग चार्जेस, ठीक है, जेड वो तो हमसे ही लेगा ना, जेड हमारे पास आएगा बोलेगा क्या कि 2000 रुपये तो बिल रिसीवल के दो और साथ साथ 20 रुपये जो मैंने नोटरी के भरे वो भी मुझे दो, ठीक है। ये क्या कौन बोलेगा हमसे, जेड बोलेगा हमसे आकर,
और हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये चीज़ जाकर वाई से बोलेंगे कि जाओ लाओ भैया 2020 रुपये हमें दो, क्योंकि ये पैसे हमें किसे चुकाने हैं, जेड को चुकाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी होगी, जेड आएगा हमारे पास, एक्स के पास, और हम जाएंगे फिर वाई के पास, ठीक है। तो जेड तो पूरे हमसे कितने पैसे लेगा, 2020 रुपये पूरे पूरे लेगा, ठीक है। तो वही 2020 रुपये हम किससे मांगेंगे, वाई से मांगेंगे। इस तरीके से हमने एंट्री करी, तो एक तरफ तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई और दूसरी तरफ हमारा एक असेट का तैयार हो गया। तो इस असेट को हम इस लाइबिलिटी से बाद में सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ करेंगे मतलब कि अगर इसने पैसा दे दिया तो पैसा दे देंगे, नहीं दिया तो ऑब्वियसली बात है बैड डेट्स है, हमें तो देनी पड़ेंगी जेड को, तो हमें डबल डबल नुकसान हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, हमें देने भी पड़े और मिले भी कुछ नहीं, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी एंट्री हुई कि किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जेड की, ठीक है, जैसे हमने चेक एंडोर्स किया था, फिर बाद में वाई की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो जेड की बात करते हैं कि जेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो जिस दिन एंडोर्समेंट किया था, जेड की कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। तो जेड को क्या हुआ था कि भाई बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड ये मान के चलेगा कि मुझे एक बिल रिसीवेबल नाम का असेट बन गया, मिल गया, जिस वजह से क्या हुआ, एक्स नाम का जो दूसरा असेट था वो कम हो गया, ठीक है। डेटर भी असेट होता है ना, तो यहाँ पर एक असेट बढ़ गया, एक असेट कम हो गया, तो इस वजह से ये एंट्री हो गई 2000 2000 रुपये से। फिर जब वो बिल लेकर किसके पास पहुँचा, वाई के पास पहुँचे, तो वाई ने तो साफ मना कर दिया कि भाई मैं भी आपको पैसा नहीं दे सकता। तब क्या हुआ, तब देखो सबसे पहले तो इसके हाथ से बिल रिसीवेबल का असेट नाम, बिल रिसीवेबल नाम का असेट खत्म हो गया, ठीक है, 2000 रुपये का। अब साथ साथ क्या हुआ, जब ये बात पता चली तो फिर उसे नोटरी जाके करवानी पड़ गई, उस वजह से उसके पास पैसे खर्च हुए, ठीक है। तो पैसे उसके पास कम हो गए उस वजह से, तो यहाँ पर ये असेट भी उसका कम हुआ एक तरीके से, तो ये 20 रुपये, ठीक। तो ऐसे कुल मिलाकर कितने हो गए, 2020 रुपये हो गए, जो वो किससे वसूलेगा, वो वसूलेगा उसे एक्स से। तो यहाँ एक्स नाम की एक जो असेट है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। कितने रुपए से क्रिएट हुआ, 2020 रुपये से। तो इस तरीके से ये पूरी एंट्री की गई, ठीक है। एक्स नाम का एक असेट क्रिएट हुआ, इस तरीके से बिल रिसीवेबल नाम का एक असेट कम हो गया, और वहीं कैश नाम का जो असेट था वो भी हमारा कम हुआ 20 रुपये से, क्योंकि हमने क्या करा था, वो चीज़ भाई खर्चा तो करी थी ना, 20 रुपये जेब से पेमेंट करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी एंट्री हुई किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, जेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब फाइनली बात करते हैं हम वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसने पैसा नहीं दिया, जिसने डिसऑनर कर दिया। तो आइए भैया वाई की बात कर लेते हैं। तो वाई का क्या होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ सिर्फ, अब जो वाई का ट्रांजेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के साथ था, उसे जेड से कोई लेना देना नहीं था, तो जेड की कोई एंट्री तो इसके अंदर आएगी नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात। तो यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, उसने बिल एक्सेप्ट किया, उसकी एंट्री होगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। ये एंट्री हो गई क्या, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। उसके बाद 13 मार्च आया, बिल पेमेंट करने का टाइम आया, मैच्योरिटी डेट आ गई, बिल पेमेंट नहीं करा, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर उसकी एंट्री और कर लेते हैं डिसऑनर की। तो यहाँ पर देखो डिसऑनर की क्या एंट्री हुई, तो सबसे पहले तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बिल्स पेबल को डेबिट कर रहे हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी थी जो कि अब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट। वहाँ पे दूसरी चीज़ नोटिंग चार्जेस, तो हमने नोटिंग चार्जेस पिछले क्वेश्चन में देखे, ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि टोपी घूम फिर के हमारे सर पे आएगी 20 रुपये की, ये हमारे 20 रुपये एक्सपेंस हमने बुक कर लिए। और एक्स नाम का जो लाइबिलिटी है वो नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि एक्स को हमें फ्यूचर में पैसा देना है, यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज़ हुई, 2020 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बिल्स पेबल कितने से कम हुए, 2000 से, नोटिंग चार्जेस कितना हुआ 20 रुपये, और टोटल अब एक्स को कितना देना है हमें, 2020 रुपये। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन जो दोनों मैंने आपको करवाए वो समझ में आ चुके होंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर पूछ लीजिएगा, और जो पुरानी वीडियोस हैं उसे भी प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सारा जो कंसेप्ट था वो मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में आपको समझा दिया था, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर कार्ड फ्लैश हो जाएगा, या इसके पहले भी एक बार फ्लैश होता है और फिर से भी एक बार फ्लैश हो जाएगा, अदरवाइज नीचे लिंक तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना यार इसे, ठीक है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना पसंद आया हो तो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर करना बहुत आसान है, यहाँ एक बटन होती है शेयर की, उस पर क्लिक करिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी बॉक्स के अंदर आपको हमारी पुरानी वीडियोस दिख रही होंगी, उन वीडियोस को भी जाकर देख लीजिए, वो भी बड़ी कंसेप्चुअल और शानदार वीडियोज़ हैं। थैंक यू।